तो जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आप सब लोग शांति से बैठ के हरि कीर्तन का आनंद लीजिए। सुरेश पटेल गुड्डू पार्षद सुसमाई वार्ड 39 नंबर जी, आज का प्रोग्राम क्या रहा? आज जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश राममय हुआ है। 500 वर्षों के बाद हमारे रामलला जी उनकी अपने निवास स्थान में आज प्रवेश किए हैं। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा थी, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सारे विधि विधान से आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पहले से ही सफाई संबंधी सारे अभियान लगातार करते रहे हैं और आज उसी क्रम में हम लोग सारे मंदिरों की सफाई किए हैं। हर जगह जो है कि भंडारे से लेकर और जो है कि दीपदान से लेकर और जागरण का कार्यक्रम हम लोग हरि कीर्तन का अखंड रामायण का कार्यक्रम किए हैं जितने भी अपने। और शाम को हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सचिवालय पंचायत भवन पर भी यहाँ लगातार जो है कि सुबह से कार्यक्रम चल रहा है। पहले जो है कि अखंड रामायण का कार्यक्रम जो है हरि कीर्तन का कार्यक्रम चला, उसके बाद जो है हम लोग प्रभात फेरी जो है शोभा यात्रा निकाले, जिसमें कि रामचंद्र जी द्वारा जो रथ के साथ सभी हमारे गांव की महिलाएं और माताओं बहनों भाई बड़े बुजुर्गों द्वारा लंबी हम लोग जो है कि रथ यात्रा निकालें, जिसमें कि श्री राम के नारे के साथ पूरा जो है कि समझ लीजिए पूरा वार्ड में गूंज गया। और उसके बाद हम लोग फिर शाम को सारे मंदिरों पे और सभी घरों पे मैंने प्रयास किया है कि अपने वार्ड के सभी घरों पे दीपदान हो, लोग फिर से दिवाली मनाएं। जैसे रावण को हराने के बाद जब रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे तो फिर लोगों ने दीपावली मनाई थी, उसी तरह 22 जनवरी का जो दिन है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और एक दूसरी दीपावली भी साल में ये दिवाली भी मनाई जाएगी और बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। और हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि हर साल इस दिन को, क्योंकि यह दिन बड़े हम लोग भाग्यशाली हैं, जो भी हमारे इस देश के 140 करोड़ भाई बंधु वो बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके सामने श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम लोग इतने भाग्यशाली कि जो 500 वर्षों में नहीं हुआ वो हमारे सामने प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और उनके उपलक्ष्य में हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी क्रम में हम हर घरों में दीप जला रहे हैं। अपने सचिवालय पंचायत भवन में भी दीपदान का कार्यक्रम हुआ है और सारे मंदिरों में हम लोग दीपदान कर रहे हैं। राम यात्रा में लगभग कितने राम भक्त आए होंगे? राम यात्रा हम लोग जो निकाले थे उसमें काफ़ी भक्त महिलाएं सैकड़ों महिलाएं थी और कई सौ पुरुषों के साथ हम लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम किए हैं। और जो है कि पंचायत भवन से लेके कर्दमेश्वर महादेव मंदिर से लेते हुए कर्म तिवारी से लेकर हनुमान मंदिर जंगमपुर हर जगह यात्रा जो हैदराबाद गेट होते हुए बीएचयू के बगल से बहुत अच्छा यात्रा हुआ, जिसमें कि बहुत लोग खुशियां मनाए और पूरे रास्ते भर लोगों का सपोर्ट मिला। लोग एकदम पूरी फिर पूरा कहिए कि तो पूरा वातावरण राममय हो गया था। जय श्री राम के नारे के साथ लगातार लोग जुड़ते जा रहे थे और कारवां बढ़ता जा रहा था। उसी तरह हम लोग लगातार भगवान राम के, मैं यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान राम की कृपा सभी 140 करोड़ लोगों पर बनी रहे और मेरा देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये देश लगातार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। एक बार मैं पुनः अपने सभी लोगों से कहूँगा कि एक बार जोरदार घोष के साथ हम लोग एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।